नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। आज सभी लोग जो रहते हैं आर्थिक स्थिति के कारण परेशान रहते हैं, यानी कि पैसा कहाँ से आए, कैसे आए और इसके लिए हम किस प्रकार के मंत्र उपाय आदि कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही सरल प्रयोग मैं बतला रही हूँ और इसे करके आप निश्चय ही अपने जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज धनतेरस है और आज से ही आप इसको शुरुआत कर सकते हैं या किसी भी शुक्रवार से, क्योंकि शुक्रवार भी आने वाला है और वो भी महालक्ष्मी का शुक्रवार आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, जरूर इस प्रयोग को करें। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में एक कनक धारा स्रोत लेकर आज जो है यंत्र लेकर आ जाएं, और यदि यंत्र आपके पास नहीं भी है तो आप लक्ष्मी जी की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने, जिनको आपने प्राण प्रतिष्ठित किया है अपने घर में, उनको उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके, उनको लाल फूल चढ़ा करके, कुछ नैवेद्य अर्पित करने के बाद इस स्त्रोत का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आज आप लोगों के लिए कनक धारा स्त्रोत की पाठ। यह स्त्रोत जो रहता है गरीब से गरीब व्यक्ति को भी धनवान बनाने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि एक ब्राह्मणी थी और आदि गुरु शंकराचार्य थे। जब आदि गुरु शंकराचार्य उसके यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए गए तो उस गरीब ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे पास तो भिक्षा के लिए कुछ नहीं है और मेरे पास केवल यह एक सूखा आंवला ही पड़ा हुआ है। उसकी इतनी दयनीय स्थिति देख करके जो है आचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, उनको जो है उनके मुंह से अचानक जो है कनक धारा स्त्रोत का उद्भव हुआ और उस कनक धारा स्त्रोत से उन्होंने कहा है कि जो भी इसका पाठ करेगा उसमें और उसके यहाँ पर धन धान की कमी नहीं रहेगी। तो जैसे ही जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्त्रोत का पाठ करा, उस बुजुर्ग महिला, वृद्ध महिला के घर में जो बहुत गरीब थी, ब्राह्मणी थी, उसके घर में आंवले, सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। तो इसका नाम ही है कनक धारा स्त्रोत, जिसके पढ़ने से हमारे घर में धन्य धान की वृद्धि होती है, जो चाहे आप भय मिलता है और लक्ष्मी जी जो रहती हैं, अच्छे आचरण, अच्छे आचार विचार, पवित्र मन, इन सब में लक्ष्मी जी का वास होता है। बहुत अधिक जो है छल कपट आदि करने पर जो है लक्ष्मी का निवास कम हो जाता है। इसीलिए मन को साफ रखते हुए महालक्ष्मी जी का यह जो है कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, इसका पाठ आप शुक्रवार से प्रारंभ करें और नित्य शुद्ध घी का दीपक जला करके, जब भी आप किसी भी कार्य व्यापार में करने काम करने आप जा रहे हैं, चाहे वो आपका मार्केट का काम हो, चाहे कोई शॉप हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप इस पाठ इसका पाठ जरूर करें। कनक धारा स्त्रोत जो कि आपको बाजार में भी मिल जाता है, और यह इस कनक धारा स्त्रोत आज से मैंने बहुत पहले इसका एक वीडियो भी मेरे चैनल मुक्ता ज्योतिष पर अपलोड किया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। और अब हम देखेंगे एक प्रयोग, मैं आपको और बतला रही हूँ कि आज धन त्रयोदशी है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आज ऐसे किसी शिव मंदिर में जिसमें अंधेरा रहता हो वहां पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाता है। तो शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए और चौथ के दिन भी शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो ऐसा निरंतर करते रहने से धीरे धीरे हमारे घर में आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, धन्य धान का आगमन होने लगता है। जो कार्य व्यापार आपके कम चलते हैं उनमें तेजी की गति आ जाती है। तो जो लोग भी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज के तले आप दबे हुए हैं, कर्ज नहीं उतर रहा है, तो निश्चय ही आप इसका नियम बना करके पाठ शुरू कीजिए। अवश्य ही माता लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी। और यदि आप श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, कनक धारा यंत्र, व्यापार वृद्धि पोटली आदि लेना चाहते हैं, तो सभी हमारे कार्यालय पर प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके जो हम रखते हैं उन्हें आप ले सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक भाग्यवर्धक यंत्र लेकर आ रही हूं, जिसको कि मैं कल शाम यानी चतुर्दशी को उसकी डिटेल में आप लोगों को बतलाऊंगी। तो जो भी बंदा अपनी किस्मत जो है सुधारना चाहता है, बनाना चाहता है, वह इस यंत्र को अवश्य लिखे, और हमारे यहाँ से लिखकर भी दिए जाते हैं तो आप लिखकर भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वयं लिखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब कई लोग प्रश्न उठाएंगे कि यदि यंत्र लिखने से भाग्य बदल जाता है तो फिर क्यों नहीं। तो बिल्कुल, इसको कई लोगों पर आजमाया गया है और इसको सभी जन लिखते हैं, हम लोग स्वयं लिखते हैं, और इसका हमने प्रभाव भी जबरदस्त देखा है। और हमारे घर से लिख करके जो लोग लिखवाना चाहते हैं उनके लिए पहले से बुकिंग भी की जाती है। तो इस प्रकार से जो है आप स्वयं भी लिखें, मैं आप लोगों को भी बतलाऊंगी, ताकि आप स्वयं लिखें और इसका अनुभव करें।
तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक है। ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। और आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की, एस्ट्रोलॉजी, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, कुंडली आदि सारे कार्य किए जाते हैं, तो इनका भी आप प्रेडिक्शन ले सकते हैं। आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली और जो है आपके धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।